दिल्ली से तकरीबन 325 किलोमीटर का सफर तय करके हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। जी हां, फिलहाल हम नैनी झील में मौजूद हैं। नैनीताल या जो नैनीताल है शहर के बीचों बीच, वहां पर बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हमें यहां के बाजारों में नैनीताल के एक जो बेहद चिंताजनक चीज़ देखने को नज़र आई वो ये कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का प्रभाव, जो एक नया वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो पूरे देश में काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और जिस तरह से नैनीताल के बाज़ारों में हमें लोग बिना मास्क पहने हुए नज़र आए। नैनीताल में जितने भी सैलानी आ रहे हैं बिना मास्क से घूम रहे हैं, कह रहे हैं हमारे वहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारे वहाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि पुलिस सख्ती जो कर रही है लेकिन उतना कुछ नहीं हो रहा है। जगह जगह पे पुलिस खड़ी है लेकिन कुछ नहीं है ऐसा, सब बिना मास्क से घूम रहे हैं। बोटिंग में भी आप बिना मास्क का बोर्ड लगाए बोटिंग अलाउ नहीं है। बिना मास्क के आदमी आता है, जैसे बोटिंग में 2 मेंबर 3 मेंबर अलाउ हैं इस समय, बड़े बड़े एडल्ट 3 मेंबर अलाउ हैं बाकी। लेकिन जब आते हैं तो कहते हैं कि हम तो एक ही परिवार के हैं, कि हम सब साथ जाएंगे तो मतलब इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप भी बचो, हमें भी बचाइए, मास्क लगाइए। नैनीताल के बाजारों में जैसे भुटिया मार्केट है नैनीताल के जस्ट बगल में, वहां पर जब हम घूम रहे थे तो हमें वहां पर लोग बिना मास्क के नजर आए। आमतौर पर जैसी भीड़ होती है नॉर्मल डेज में नैनीताल के बाजारों में, वैसी ही भीड़ देखने को नजर आई। कई सैलानी जो कि यहां पर नया साल मनाने को आए हैं वो भी बगैर मास्क के नजर आए हमें। और यहां पर जब हम घूम रहे थे हमें ये भी नज़र आया कि जगह जगह पुलिस तैनात थी लेकिन यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं हो रही है। जैसा कि उत्तराखंड सरकार ने ये कहा है कि जो भी सैलानी उत्तराखंड में आता है उसको 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट वो पेश करना पड़ेगा, तभी उसकी एंट्री नैनीताल में हो पाएगी या उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में हो पाएगी। लेकिन हमें किसी भी तरह की कोई चेकिंग नज़र नहीं आई, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स कोई चेक करता हुआ नजर नहीं आया। और आइए, हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि यूएसए से हैं, एडिसन से यहाँ पर आई हैं और नैनीताल घूमने के लिए आई हैं। डॉक्टर अंकिता प्रसाद हैं हमारे साथ, जो कि हमें हमारे साथ इसी बोर्ड पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जब वो नैनीताल के बाज़ारों में घूम रही थी तो उन्होंने यहाँ पर क्या नज़ारा देखा और उनकी सलाह क्या है लोगों को और किस तरह का प्रिकॉशंस उन्हें लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अंकिता प्रसाद से। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकिता प्रसाद हूँ। हम लोग यहाँ नैनी झील में हैं।
यहाँ आसपास काफ़ी भीड़ देखने को मिली जब हम भूटिया मार्केट, तिब्बती मार्केट और मॉल रोड से गुजरे। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे सैलानी हमें जो हमारे ही तरह यहाँ घूमने आए थे, काफ़ी सारे लोग यहाँ विदाउट मास्क के घूम रहे हैं। बहुत भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ओमाइक्रॉन के प्रेजेंट स्टेटस में जहाँ इंडिया में हर जगह इन्फेक्शंस रेट बढ़ते जा रहे हैं, ये जो प्रेजेंट स्टेटस हमने देखा है ये काफ़ी चिंता का विषय है। यहाँ से जाने के बाद इनसे ये सैलानी अगर कुछ इन्फेक्शन लेके जाते हैं तो आगे जाके ये कहाँ तक फैलेगा बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सही नहीं है। आप सबों से निवेदन है कृपया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक हो सके पालन करें, और किसी भी पब्लिक प्लेस से आने के बाद अपने नाक, मुंह और आंखों को टच ना करें। मास्क पहनने से आपके एयरबॉर्न इन्फेक्शन से आपकी सुरक्षा होती रहेगी, और अगर आप अपना हाथ अपने आंख, मुंह, नाक तक नहीं ले जाएंगे तो वो वायरस आपके शरीर में नहीं एंटर करेगा और आपको ज़्यादा बीमार नहीं करेगा। ओमाइक्रॉन का वायरस ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही कॉज कर रहा है, अभी तक उसके बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं देखने को मिले हैं। हल्का सा बुखार आता है, नज़ला, जुकाम जो टिपिकल वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं, गला ख़राब होना, वो हो रहा है। इसलिए बहुत सारे केसेस जो हैं वो अनडिटेक्टेड भी हो रहेंगे, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रेजेंट डे में पता नहीं चलेगा ओमाइक्रॉन का इन्फेक्शन किसको हो रखा है किसको नहीं। अगर बच्चों में ये कहा जा रहा है कि बच्चों में ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो बच्चे किस तरह का प्रिकॉशंस लें? बच्चों के साथ भी हमें वही प्रिकॉशंस लेना है जो हम बड़ों में लेते हैं। अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके अंतर्गत आप 15 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन डलवा सकते हैं, तो वो वैक्सीन उन्हें ज़रूर डलवानी चाहिए। मास्क का प्रिकॉशन रहना चाहिए, बैरियर प्रिकॉशंस जिसको हम कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए। बच्चों को भी ये सिखाएं कि कहीं बाहर से आएं, कुछ भी खाने के पहले, किसी भी चीज़ को, फूड को हैंडल करने के पहले हाथ ज़रूर धोएं, और यही नहीं, आँख, जो अपना हाथ है उसको आँख, मुंह और नाक पर ना ले जाएं बार बार, फेस ना टच करें। इससे करने से बहुत इन्फेक्शन से वो बचे रह सकते हैं। तो आपने देखा क्या कुछ बताया डॉक्टर अंकिता प्रसाद ने ओमिक्रॉन के बारे में, और ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, और किस तरह का प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए। फिलहाल हम नैनीताल में हैं और मेरे गेटअप को देखकर आपको ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी सर्दी है यहाँ पर। जी हाँ, बेहद सर्द हवा चल रही है, हालांकि धूप निकली हुई है, सूर्य देवता बादलों से अटखेलियाँ कर रहे हैं, मौसम कभी बादलों के पीछे चले जाते हैं, कभी बादलों के बाहर आ जाते हैं, यहाँ अटखेलियाँ चल रही हैं, लेकिन मौसम कुल मिला जुला कर बेहद सर्द है, और इसी वजह से मैंने भी पूरा प्रिकॉशंस ले रखा है। आपसे बातचीत कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क, जहाँ तक मैंने बात किया कि यहाँ पर लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, आपसे बातचीत कर रहा हूँ इसलिए कुछ पल के लिए हमने मास्क अपना नीचे रखा हुआ है, और जब आपसे बातचीत ख़त्म हो जाएगी, आपसे रूबरू होना बंद हो जाएगा, उसके बाद हम अपना मास्क ऊपर कर लेंगे। तो कुल मिला जुला कर तमाम प्रिकॉशंस के साथ हम लोग नैनीताल में यहाँ की वोटिंग का आनंद उठा रहे हैं, और जो ओमिक्रॉन जिस तरह से फैल रहा है वो मैसेज तमाम लोगों को देना चाहते हैं कि आप भी प्रिकॉशंस रखें, और जो लोग मास्क के साथ नज़र ना आए उनको भी बाकायदा कहें कि वो मास्क पहने, ताकि ये इन्फेक्शन जो पूरे देश में तेज़ी के साथ फैल रहा है वो आगे ना जा पाए। लेमन चुस्की के लिए नैनीताल के नैनी झील से नीतीश कुमार।